अस्सलाम वालेकुम, अपनी मोटर डॉट कॉम से मैं हूं सुहेल चौधरी। होंडाई का मशहूर ज़माना लोडर एक बार फिर वापस आ चुका है और इस बार इसको इसके जेनेरिक नेम से मुतारफ़ करवाया गया है, जो कि है होंडाई पोर्टर H100। असल में जो क्लासिक शेजोर है वो भी पोर्टर H100 ही था, जिसे पाकिस्तान में शेजोर का नाम दिया गया था। 2017-18 में एक कंपनी जिसका नाम डायहान है, उसने शेजोर के नाम से एक वेरियंट को मुतारफ़ करवाया था, लेकिन उसे वो पजीराई नहीं मिल सकी जो कि असल शेजोर को मिली थी। अब चूंकि होंडाई पाकिस्तान में दोबारा वापस आ चुकी है और इसने पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्शन का बाकायदा आगाज़ कर दिया है, और ऐसे में होंडाई पोर्टर H100 वो पहली गाड़ी है जो कि होंडाई की जानब से पाकिस्तान में असेंबल की गई है। इसकी प्राइस और दीगर स्पेसिफिकेशंस वीडियो के साथ साथ आपको बताता जाऊँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो सबसे पहले इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। इसमें 2.6 लीटर का सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट 2 सिलेंडर Euro 2 डीजल इंजन नस्ब है, जो कि 79 हॉर्स पावर और 167 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा इसमें 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दी गई है। अब इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, तो फ्रंट में आपको 2 बड़ी प्रोजेक्शन हेडलाइट्स नज़र आ रही हैं। इसके नीचे फॉग लाइट्स भी दी गई हैं। ये इसका हुड है। हुड को ओपन करेंगे तो यहाँ आपको मुख्तलफ वाटर टैंक्स मिलेंगे, जिनमें वॉशर टैंक, रेडिएटर टैंक और एयर फिल्टर वगैरह दिए गए हैं। साइड में इसके बड़े साइज़ के साइड मिरर्स दिए गए हैं, यहाँ साइड इंडिकेटर्स दिए गए हैं। ये इसके वर्टिकल स्टाइल के डोर हैंडल्स हैं। इसके अलावा इसमें 15 इंचेस के स्टील व्हील दिए गए हैं और इनका जो टायर का साइज़ है वो है 195/70। ये इसका बैक डेक है जिसकी तीनों साइड्स ओपन हो सकती हैं। इस पे 3 कैटेगरीज हैं, एक हाई डेक जो कि अभी आपके सामने है, दूसरा फ्लैट डेक और तीसरा डेकलेस यानी बगैर डेक के। तो आप इसे अपनी मर्जी से किसी भी शेप में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसकी जो सस्पेंशन है वो फ्रंट पे आपको स्प्रिंग हाइड्रोलिक टाइप और रियर में आपको कमानी टाइप सस्पेंशन मिलेगी, जो कि एक लोडर को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है। और इसकी जो टोइंग कैपेसिटी है वो है 1 टन। इसके डेक की ओवरऑल लंबाई जो है वो है 2785 मिलीमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है 1630 मिलीमीटर। इसकी ब्रेक्स में फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स मिलेगी, जबकि बैक में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेगी। ये इसकी क्लासिक शेजोर स्टाइल की ब्रेक लाइट्स हैं और इंडिकेटर्स हैं। तो आइए इसका इंटीरियर देखते हैं। डोर्स में यहाँ सॉफ्ट पैडिंग दी गई है, प्लास्टिक के डोर हैंडल्स हैं, ये मैनुअल विंडो का क्रैंक है, बड़े साइज़ की डोर बिन दी गई है और स्पीकर भी मौजूद है। यहाँ नीचे एक साइड स्टेप दिया गया है। ये इसका कैबिन का ओवरऑल व्यू है और आप देख सकते हैं कि कैबिन इसका काफ़ी ब्राइट है और रोशन है। ये इसका 2-स्पोक हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है, सिल्वर कलर में इसमें स्टाइलिंग दी गई है
और सेंटर में आपको हुंडई का एम्बलम मिल जाएगा। दाईं जानब लाइट असेंबली है और इसकी बाईं जानब आपको वाइपर असेंबली मिल जाएगी। ये इसका एनालॉग स्टाइल का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जिसमें दो बड़े डायल्स दिए गए हैं जिनमें एक स्पीडोमीटर और दूसरा आरपीएम मीटर का है। नीचे आपको फ्यूल और हीट गेजेस मिलेंगी। इसके अलावा इसमें एक अदद ऑडोमीटर और एक अदद क्लॉक भी मौजूद है। ये इसका सेंटर कंसोल है। सारे इसके एसी के स्विचेस जो हैं वो एक साइड पे वर्टिकली अलाइन हैं। इस गाड़ी में आपको एसी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप लगवाना चाहें तो आप हुंडई को एक्स्ट्रा पे करके लगवा भी सकते हैं। सेंटर में आपको ऊपर एयर वेंट्स मिल जाएगी। नीचे सिंगल लेन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो कि रेडियो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी और ऑक्स के फंक्शन के साथ आता है। इसके अलावा इसके नीचे एक अदद स्टोरेज एरिया दिया गया है। इसके अलावा यहाँ भी एक छोटा कंपार्टमेंट मौजूद है। ये इसकी 5-स्पीड गियर नॉब है, एक अदद कप होल्डर है और ये इसकी हैंड ब्रेक है। इसके अलावा यहाँ आपको कैबन लाइट मिल जाएगी और सनशेड्स भी मिल जाएंगे। ये इसकी पैसेंजर साइड है, यहाँ भी वही तकरीबन सेम चीज़ें हैं। इसमें फैब्रिक की सीट दी गई हैं और इनकी जो कुशनिंग है वो बहुत अच्छी है। अगर आप इसमें बैठेंगे तो आपको काफ़ी आरामदेह महसूस होगा। और इसमें तीन लोगों के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। यहाँ भी एक अदद स्टोरेज एरिया दिया गया है और नीचे इसके ड्रॉप बॉक्स है। आप देख सकते हैं कि इसे काफ़ी स्मार्टली डिज़ाइन किया गया है, यानी इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अलग से रख सकते हैं और बाकी दीगर चीज़ें आप अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। जी तो प्राइस की बात करें तो इसमें हाई डेक जो आपके सामने है इसकी प्राइस है 24,49,000 रुपये, जो फ्लैट डेक है इसकी प्राइस है 24,29,000 रुपये और जो डेकलेस है इसकी प्राइस है 24,09,000 रुपये। इसके अलावा हुंडई आपको 4 साल या 1,00,000 किलोमीटर दोनों में से जो भी पहले आ जाए की वारंटी दे रहा है। जी तो ये था आज का वीडियो। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।